अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ चटपटे चने, जो बारिश के मौसम में हमको बहुत मज़ेदार दिखते हैं। चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चने बनाने के लिए मैं ली हूँ 100 ग्राम चनों को एक चार घंटे पहले वॉश करके भिगा के रखती हूँ। और इसको सबसे पहले हम कुकर में डाल के गला लेंगे। चलिए मैं कुकर में डाल दी चने और इसका ढक्कन लगा देंगे। एक पाँच छः सीटी होने का, तो एक पाँच मिनट धीमे पर रख के चेक करेंगे। और चटपटे चनों के लिए हमें इस चीज़ों की ज़रूरत है। हल्दी है, नमक है, मिर्ची है, 1 टीस्पून ज़ीरा और करियापा के पत्ते, पंजाबी छोले मसाला, लीमे बादशाह का कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, और 2 टमाटे मीडियम साइज़ के, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 लेमन। लेमन अगर खटास और होना है तो आप थोड़ा ऐड कर ले सकते हैं। टमाटरों को मैं बारीक कट कर ली। अगर आपके पास छोले मसाला अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप धनिया पाउडर भुने हुआ और पाउडर बने हुआ, भुन के पाउडर बना के 1 टेबल 5 से 6 सीटी होने के बाद मैं 10 मिनट के लिए धीमे पर रखती हूँ। इसको बाहर दूसरे डिश में निकालेंगे। चलिए माशाल्लाह अच्छे गले देखिए। गलना अच्छा, घटना रहना है। चलिए इसको पकाने की तैयारी करेंगे। चलिए मैं कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाली। ऑयल ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरा हल्का सा ब्राउन होते ही 3 से 4 सूखी मिर्ची डाल और फ्लेम को धीमा करके करियापा के पत्ते डालेंगे। चलिए अब इसमें टमाटे कटे हुए डालेंगे और फ्लेम को तेज कर। चलिए टमाटे डालने के बाद 1 टीस्पून फुल नमक डालेंगे। मैं चनों में डाल के नमक डाल के नहीं गलाई, 1 टीस्पून फुल नमक डालेंगे, बाद में टेस्ट करके डाल सकते। और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून फुल मिर्च। अब फ्लेम को धीमा कर देंगे। धीमा करके 1-5 मिनट इसको टमाटर को गलने देंगे। इसको ढाप के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। धीमे पर ढापेंगे और बीच में 1 से 2 बार टमाटर को चेक करेंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो गए। अब इसमें चने डालेंगे, फ्लेम को तेज कर। चने डालने के बाद 1 कप इसमें पानी डालेंगे। सारे मसाले, पानी इसलिए डालेंगे, सारे मसाले एक साथ पकेंगे और चनों में इसका टेस्ट अच्छे से आता। और 2 टीस्पून छोले मसाला, अब इसमें डालेंगे लेमन का जूस। फ्लेम को धीमा कर देंगे, धीमा करके ढाप देंगे। ये पानी सूखने तक इसको ढापेंगे, बीच में 1 से 2 बार चेक करना पानी सूखने तक। इसको ढाप के धीमे पे पकाएंगे। थोड़ा सा टमाटर चॉप किया हुआ और थोड़ी सी प्याज और हरा धनिया ये चनों के ऊपर से डाल के जब सर्व करते हुए डालेंगे। अब थोड़ी कोथमीर, थोड़ा हरा मसाला दम पे डालेंगे और थोड़ा ऊपर से सर्व करते वक्त। अभी थोड़ा सा पानी है, ये धीमे पे ये पानी सुखाएंगे पकाते हुए चनों में। इसका टेस्ट अच्छा, चनों का टेस्ट अच्छा होता। तेज फ्लेम करके पानी नहीं सुखाएंगे, धीमे पे इसको ढाप के पका देंगे। थोड़ा हरा धनिया डाली में, थोड़ा हरा धनिया ऊपर से डालेंगे। चलिए इसका पानी अच्छे से सूख गया। चलिए मैं इसमें बटर डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। ये बटर डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या चाहे तो ना चाहे तो ना डालें। ये बटर थोड़ा मेल्ट होते ही निकाल देंगे।
चलिए फ्लेम बंद करके डिश में निकालेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने, बहुत चटपटे और बहुत टेस्टी बने। और लेमन जितना मैं बताएं, अगर थोड़ा खटास आपको पसंद है बढ़ के, तो आप थोड़ा सा और बढ़ के डाल सकते हैं लेमन का जूस। ये बारिशों के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं चटपटे चने। चलिए सर्व करते हैं इसके ऊपर से चॉपकी हुई प्याज, थोड़ी सी चॉपकी हुई प्याज और थोड़ा सा चॉप किया हुआ टमाटर। चलिए चटपटे चने की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आप एक बार ज़रूर बनाइए।